नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, तो आपको बता दूं कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पूरा कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है, जहां पे आपको नए नए डुप्लेक्स सिंप्लेक्स जो है बने दिख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे साइट पर मैं आप लोगों को क्यों लेकर आया हूँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों को मन में ये चल रहा होगा। तो आप लोग बता दूँ कि आज का जो वीडियो है ना, बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल पर जो है आपने बहुत जो है मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग वीडियो देखा होगा, सर्विस के रिगार्डिंग वीडियो देखा होगा, बट आज जो है मेनली हम लोग ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई का जो है आप ट्रेडिंग करके जो है आप कैसे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, इस बिजनेस में कितना स्कोप है और इस बिजनेस से आप कितना कमा सकते हैं और कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारी चीज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले बता दूंगा फ्रेंड्स कि अगर आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें जो है आप दो तरीके से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो है आप इसको जीरो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं, एंड जो दूसरा मॉडल है इसमें जो है आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इस वीडियो की पूरी जानकारी मिल सके। और फ्रेंड, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जितने भी मेरे नए नए वीडियो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरा डिटेल जानकारी देंगे कि आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को पता है कि डे बाय डे अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी कि फ्रेंड्स जितने भी गांव क्षेत्र थे वो शहर में कन्वर्ट होते जा रहे धीरे धीरे। इसका मतलब साफ यही है कि जो है कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा चल रहा है और इसके लिए जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आप लोगों को पता है कि इसका डिमांड जो है आपका सालों भर रहने वाला है, इसका डिमांड की कमी नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले बता दूँ कि आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई में जो है किन किन चीज़ों का आप बिजनेस कर सकते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं, ये रेत है, जहाँ पर भी घर बन रहा होगा, जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होगा, यानी कि सिंप्लेक्स डुप्लेक्स इस तरह कहीं पे भी सोसाइटी अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो सबसे पहले वहाँ पर रेत की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा जो है वहाँ पे ब्रिक्स यानी कि ईंट की जरूरत पड़ेगी। देन इसके बाद जो है आपको स्टोन चिप्स का जरूरत पड़ेगा, सीमेंट का जरूरत पड़ेगा, ऐसे कई तरह के जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो फ्रेंड्स, आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जो है आपको ट्रेडिंग करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्लेरिफाई कर दूँ कि मैंने जैसे आप लोग को वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आप इस बिजनेस को दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप जीरो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन हो, क्या सर हम लोग सही में जीरो इन्वेस्टमेंट में कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? यस, आपने सही सुना, आप जीरो इन्वेस्टमेंट में इसको स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप जिस लोकेशन में कंस्ट्रक्शन मटेरियल का सप्लाई आप करना चाहते हैं तो वहाँ पे कितने वेंडर है जो कि डायरेक्टली ये रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं। तो अगर आपको इसकी जानकारी है तो फ्रेंड्स आप बहुत ही आसान तरीके से उन लोगों से टाइप कर सकते हैं और आप जो है कमीशन अर्न कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इस रेत की, तो आपको पता है कि एक ट्रैक्टर की जो रेत है अभी जो है 4000 या 5000 के आसपास कॉस्टिंग होगा, वो डिपेंड करेगा कि आप किस लोकेशन से बिलोंग करते हैं। तो आप जिसको सप्लाई कर रहे हैं तो आप उनको 500 रुपये जो है आप इंक्रीज करके रेट बढ़ा सकते हैं, वहाँ पे जो है आप 500 रुपये कमीशन अर्न कर सकते हैं सप्लाई पे। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि आप यहाँ पे एज ए ब्रोकरेज जो है आप अर्न कर रहे हैं, इसमें आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरह से जो है आपके एरिया में जो भी चिमनी भट्टा होगा या वहाँ पर फ्लाई एश ब्रिक बन रहे होंगे, अगर आप फ्लाई एश ब्रिक का आप सप्लाई करना चाह रहे होंगे तो वहाँ पर आपको जो है मैन्युफैक्चरिंग हाउस से जाकर आपको जो है कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, यानी कि टाइप करना पड़ेगा और उसके थ्रू जो है आप सप्लाई कर सकते हैं। यानी फ्रेंड्स जो भी मैन्युफैक्चरिंग हाउस है उसको कस्टमर लाके आप दे रहे हैं, आप वहां पे सिर्फ ब्रोकरेज अर्न कर रहे हैं। तो ये जो है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट का जो है ये बिजनेस है जहां पे आप मुनाफा अच्छा कमा सकते हैं। अगर आप एक दिन में 10 ट्रैक्टर का अगर आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करते हैं, यानी कि ब्रिक्स का सप्लाई करते हैं, तो वहां पे अगर 500 भी कमीशन अर्न करते हैं तो आप इसके हिसाब से जो है आप अपना प्रॉफिट देख लीजिए कितना आपका प्रॉफिट होने वाला है। तो चलिए आगे हम लोग और बात करेंगे कि आप अगर इस बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं एज ए ट्रेडर तो आपको इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट टोटल लगने वाला है। पहला जो मैंने बताया वो आप सिर्फ ब्रोकरेज अर्न करके जो है आप अपने बिजनेस में स्केल कर सकते हैं, जैसे कि वहां पे आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा, बट आपको वहां पे कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, आप जिस लोकेशन से बिलोंग करते हैं वहां पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि अगर आप एज ए ट्रेडर पूरा हार्डकोर ट्रेडर अगर आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई का अगर बनना चाहते हैं तो उस केस में आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। अगर आप उस तरह से आप स्टार्ट करना चाहेंगे तो आपको उसमें लाइसेंस भी लगेगा, पैसा का इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा और वहां पे कहीं ना कहीं आपके पास में एरिया भी होना चाहिए जहां पे आप उसको स्टॉक करके रख सके कंस्ट्रक्शन मटेरियल को। तो चलिए आगे मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टोन चिप्स है, तो इसी तरह से जो है आपको स्टॉक यार्ड बनाना पड़ेगा अगर आप मेनली ट्रेडिंग करना चाहते हैं। जैसे ये आपको अगर रेत का यानी कि सैंड का करना है,
आपको ब्रिक्स का करना है या आपको स्टोन चिप्स का करना है। इसके अलावा जो है रॉड आते हैं जो कि ढलाई में लगता है, इसके अलावा सीमेंट का भी आप कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ का ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अगर आप मल्टीपल में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपको कौन कौन से लाइसेंस लगेंगे अगर आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आपको शॉप एंड कमर्शियल एक्ट के अंदर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके बाद जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आप उद्यम रजिस्ट्रेशन का भी लाइसेंस ले लेंगे। तो मात्र जो है आप इस चार लाइसेंस को लेकर जो है अपने बिजनेस को बहुत ही आसान तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको लाइसेंस क्लियर हो गया। तो अब हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जो आपको करना है वो स्टोन चिप्स में करना है और इसके अलावा जो है आपको सेंड में करना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये दोनों का प्राइस जो है हमेशा फ्लक्चुएट होते रहता है। और इसके अलावा ब्रिक्स की बात करें तो आप डायरेक्टली चिमनी भट्टा या जो भी फ्लाइस ब्रिक मैन्युफैक्चर होंगे आपके एरिया में, तो आप उनसे डायरेक्टली जो है कोलैबोरेट कर सकते हैं। और जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी आप डायरेक्टली जो है मैन्युफैक्चरिंग हाउस को बोलेंगे, वो डायरेक्टली जो है कस्टमर तक जो है उसको डिस्पैच करके डायरेक्टली प्रोवाइड करेगा और वहाँ पे जो है डायरेक्टली पैसा जो है आप ही के पास में आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके थ्रू जो है वो मटेरियल सप्लाई हुआ है। तो यहाँ तक क्लियर हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर इन्वेस्टमेंट यहां पे देखें तो अगर आपके पास में 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो फ्रेंड्स आप बहुत ही आसान तरीके से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इसमें जो है आप रड का भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो रड के लिए तो आपको अलग से बात करना पड़ेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस कंपनी का रड का आप जो है डीलर लेना चाहते हैं या आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अलग से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा यही पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप रड लेना चाहते हैं तो आप किसी भी डीलर से जो है आप एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में जो है आप रड लेके रह सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपके पास मेल होना चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास हर एक कंस्ट्रक्शन मेटल का मेल होना चाहिए। आपके पास में रड भी हो गया, सीमेंट भी आपका टाइप है, इसके अलावा जो है आपके पास में स्टोन चिप्स भी है और ब्रिक्स भी है और आपके पास में सैंड भी मिल जाएगा। इसके अलावा सीमेंट के रिगार्डिंग जो है आप बहुत सारे डीलर से टाइप कर सकते हैं। अगर कहीं भी सप्लाई करें तो आप डायरेक्टली डीलर से जो है माल को जो है डायरेक्टली डिस्पैच करवा सकते हैं कस्टमर तक। तो ऐसे आपके एरिया में बहुत सारे जो है कंस्ट्रक्शन साइट होंगे जहां पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो फ्रेंड्स, आप इस अपॉर्चुनिटी को ना छोड़ें और डेफिनेटली आपको इस बिजनेस से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है और इस बिजनेस का डिमांड सालों साल रहने वाला, कभी घटने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। इसके अलावा हम लोग आगे बात करते हैं कि आप इस बिजनेस से कितना कमा सकते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई में जो है आप 6% से लेके 10% का जो है आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसके हिसाब से आप जो है पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर आप पूरे दिन भर में अगर 2 लाख या 3 लाख का अगर आप माल सप्लाई करते हैं तो इसके हिसाब से जो है आपका प्रॉफिट है, मैंने क्या बताया था, 6% से लेके 10% बताया था। तो फ्रेंड्स, आप कितना कमा रहे हैं यहाँ पे, 18,000 से आप 30,000 का जो है आप यहाँ पे मुनाफा कमा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप एक दिन में इतना पैसा कमा रहे हैं तो आपके लिए सफिशियंट है। तो यहाँ पे आप लोगों का एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर, अगर हम लोग विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसको हम लोग कैसे एडवर्टाइज करेंगे। देखिए, सोशल मीडिया सबसे बड़ा जो है आप लोगों के पास में हथियार है जिसके थ्रू जो है आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया में बात करें तो आप फेसबुक पे जो है एक मार्केट प्लेस है, आप मार्केट प्लेस पे जाके जो है अपना एडवर्टाइज कर सकते हैं कि आप ये एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे जो है आपको अच्छे खासे लीड्स मिल जाते हैं। तो आप एड्स चला के भी जो है आप लीड्स जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए खास होने वाला है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। डेफिनेटली अगर आपको हमारे तरफ से किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए तो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँगा। तो फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पर पिन पॉइंट यही है कि सबसे पहले आप जिस लोकेशन से बिलोंग करते हैं वो उस एरिया को पहले आप सर्वे कर लीजिए कि वहाँ पे कितने कंस्ट्रक्शन साइट है और वहाँ पे जो है कौन कौन से वेंडर है जो आपको बालू प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी सेंड प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको स्टोन चिप्स प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको सीमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा आपको छड़ प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको ये सारे वेंडर मिल जाते हैं तो आप उनसे डायरेक्टली जो है टाइप कर लीजिए, उनको कस्टमर ला के प्रोवाइड कीजिए और डेफिनेटली जो है आप सप्लाई पे एक ब्रोकरेज अर्न कर सकते हैं। मिनिमम ब्रोकरेज मैं बता रहा हूँ, आप 500 रुपये कमा सकते हैं। तो इसके हिसाब से आप डेली का कितना गाड़ी का आप सेल करते हैं उसके हिसाब से आपका यहाँ पे ब्रोकरेज बनने वाला है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप दिन में 10 गाड़ी भी करते हैं तो फ्रेंड्स आप 5,000 रुपया बहुत ही आसान तरीके से आप सिर्फ एज ए ब्रोकरेज कमा सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना इस वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।